हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही क्विक एंड इजी फिश करी की रेसिपी। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 kg फिश लिया हुआ है, जिसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने एक बड़ी थाली में इसे डाला हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर से जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। अब नमक और हल्दी में इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सारे फिश के ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट लीजिएगा ताकि सारे फिश पर अच्छी तरह से नमक और जो हल्दी डाला है उसकी कोटिंग अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से इसे कोट कर लिया है हल्दी और नमक के अंदर। तो जब अच्छी तरह से इसे आप कोट कर लें, कोट करने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस इसे रख दें साइड में। उसके बाद एक मसाला तैयार कर लें, तब तक यानी 10 से 15 मिनट के लिए इसे रखना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं रखना है। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों। यहाँ पर आपको पीली सरसों का ही यूज़ करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, 1 लाल मिर्च लिया है जो थोड़ी सी लाल हो गई है, आप पूरा पूरा हरी मिर्च ही ले लीजिएगा। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज की प्याज लिया हुआ है, जिसे मोटे टुकड़ों में काट करके मैं डाल दूंगी ताकि मिक्सी के जार में आसानी से ये पिस जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कम से कम 15 से 20 या 22 कलियाँ भी होंगी लहसुन की। लहसुन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, तभी मछली में अच्छी तरह से फ्लेवर आएगा। लहसुन का फ्लेवर मछली में बहुत ही अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आप लहसुन डालिएगा। साथ ही मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज़ का टमाटर, ये देसी टमाटर है, आप चाहें तो सैलड वाले टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसे अच्छी तरह से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है मसाला। तो मसाला तैयार करने के बाद इसे हम बड़े बाउल में डाल करके रख देंगे और मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा पेस्ट लगा रह जाता है उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके हम निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ बेकार ना हो। तो मसाले को हमने कर लिया है ट्रांसफर। इधर मछली भी तैयार हो चुकी है, इसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पूरे। इधर दूसरी तरफ आंच पर गर्म होने के लिए हमने कढ़ाई में रख दिया है तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो अपने मनपसंद ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, मगर सरसों के तेल में मछली बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें और बीच में उलट पुलट कर अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक मछली को फ्राई कर लें। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है मछली को फ्राई करने में ही, बाकी ग्रेवी बनाते समय आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो मछली को अच्छे से करारा होने तक आप फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रोसेस के साथ अगर आप मछली बनाते हैं तो मछली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मछली का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, इस पे सुनहरा रंग आ चुका है। तो मछली को इसी तरीके से गोल्डन कलर आने तक आपको करना है फ्राई। तो एक एक करके जब मछली फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर, और दूसरे बैच की मछली भी सेम प्रोसेस में हम कर लेंगे फ्राई। तो मैंने सारी मछलियों को कर लिया है फ्राई। उसके बाद देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा तेल है, तो मैं एक्स्ट्रा तेल को निकाल करके बाहर कर लूंगी। लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें तेल रहने देंगे और सेम कढ़ाई में ही मैं प्रोसेस कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे थोड़े से मेथी के दाने, और उसके बाद
फ्लेम को कर लेना है, स्लो और स्लो फ्लेम पर हमें डालना है वो पेस्ट जो हमने टमाटर अदरक लहसुन का बना करके तैयार किया हुआ था। और इसके बाद इसे मिला लें अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद फ्लेम को कर लें मीडियम पर और इसके साथ साथ इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च ली है और नमक लिया है स्वाद के अनुसार। तो मछली में पहले से भी हमने नमक डाला है तो इस बात का रखें आप ध्यान। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। और सारे मसाले मैंने आधा आधा चम्मच लिए हुए थे और साथ में लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें क्योंकि पहले भी हमने हरी मिर्च का यूज़ किया हुआ है पेस्ट बनाते समय। तो मसालों को हमें अच्छी तरीके से भूनना है, जितने अच्छे से मसाला भुनेगा उतनी ही अच्छी ग्रेवी बन करके हमारी तैयार होगी। बीच बीच में मसाले को चलाते रहें, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भूनें और अच्छे से तेल सेपरेट होने दें। तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है मगर मसाला अभी अच्छी तरह से नहीं भुना है, इसे और भी अच्छी तरीके से भूनना होगा, अच्छे से कलर चेंज होने देना होगा। तो बीच बीच में इसे चलाते हुए आप भून लें। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालें, जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालना होगा क्योंकि मछली जो है पानी सोखती है। तो ये देख सकते हैं मैंने अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल लिया है, अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें एक उबाल आने देना है। और पानी में उबाल आ चुका है आप देख सकते हैं, इसे 5 मिनट तक ऐसे ही उबाल लें। उसके बाद इसमें डाल दें मछली के पीसेस को जो हमने फ्राई करके तैयार किए हुए थे। मछली के सारे पीसेस डालने के बाद इसमें फिर से एक उबाल आने दें, हमें ज्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल अच्छी तरह से आने दें नहीं तो मछली हमारी टूट जाएगी अगर हम इसे ज्यादा उबालेंगे तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उबाल आ चुका है। अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम हरा धनिया और फ्लेम को कर देंगे बंद। बस हमारी गर्मा गर्म मछली बनकर के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो एक बार जरूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।